युवा कांग्रेस भोपाल ने अनोखा प्रदर्शन कर सरकार पर नौकरियों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पर पैसों में डिग्रियां देने का आरोप भी लगाया है। हाथ ठेले पर नकली पैसे रखकर अनोखा प्रदर्शन कर डिग्री ले लो पैसे दे दो के स्लोगन वाले पैम्पलेट भी लगाए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के 18 साल तक प्रदेश के युवाओं की दुर्गति करने वाले शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से पहले युवाओं की याद आ रही है। युवा नीति के नाम पे युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे, जो सरकार खुद कर्जा लेके काम चला रही है वो प्रदेश के युवाओं को पैसा बांटने का झूठा प्रलोभन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियाँ बेची जा रही हैं, इसको लेकर मध्य प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूटा है, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पर हम समझते हैं शिवराज सिंह चौहान है। उनकी नीतियों में अगर बदलाव नहीं होता है तो पूरे मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन होंगे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चरणबद्ध तरीके से एकत्रित होकर पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और हम यहां पे सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।